आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्सीमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है, जी हाँ हेल्थ जरूरी है। में सभी दर्शकों का निघत स्वागत। ये हमारी एक हेल्थ सीरीज है जिसमें हम अपने स्टूडियो में अपने आयुर्वेदा हेल्थ एक्सपर्ट वैद्य हरीश वर्मा जी से टिप्स लेंगे डिफरेंट बीमारियों के बारे में। आज का हमारा शो है डायबिटीज के बारे में, जो कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा एपिडेमिक टाइप हो चुका है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो खाने पीने से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इस सिलसिले में आयुर्वेद क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य हरीश वर्मा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। तो हरीश वर्मा साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि डायबिटीज है क्या और ये क्यों इतनी ज्यादा है, हमारे दर्शकों को आप अपनी राय दीजिए। देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, उसमें बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है। जब इंसुलिन कम बनती है या इंसुलिन हार्मोन कम बनता है या इंसुलिन हार्मोन इफेक्टिव ना हो तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो पेशेंट को कुछ सिम्टम आ जाते हैं, जैसे यूरिन बार बार जाना, प्यास ज़्यादा लगनी, भूख ज़्यादा लगनी, थकावट ज़्यादा होनी, इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं तो ये एक डायबिटीज़ रोग बन जाता है। सो बेसिकली पेनक्रियास में जो इंसुलिन बनती है उसकी कमी के कारण या इंसुलिन इफेक्टिव ना होने की वजह से जो शुगर बढ़ती है ब्लड में, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। तो आप हमें ये बताइए कि इसके मेजर कारण और मेजर रीजंस क्या है? देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है ये एक जेनेटिक डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में चलता है। और कई बार ये ड्रग इंड्यूस भी होता है, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनको लेने से पेशेंट में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। सो इसके अलग अलग काजेज होते हैं, लेकिन इनहेरिटेड फैक्टर इसमें मेजर कॉज देखा गया है। और इसकी फिर आगे टाइप्स होती हैं, इसकी तीन टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ की। इसको टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस ऑटो इम्यून, मैं थोड़ा सा इसको भी बताऊँगा कि ऑटो इम्यून क्या होता है। फिर एक टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस होती है, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोल देते हैं। और तीसरी है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि औरतों में देखी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो शुगर लेवल बढ़ जाता है और बाद में डिलीवरी के बाद ये कई बार नॉर्मल हो जाता है। सो जो टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस है ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। सो इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ मानी गई है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट्स के ब्लड में कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज डिवेल्प हो जाती हैं जो बीटा सेल्स को जाके डैमेज करती हैं, जिससे पेनक्रियास में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को शुगर हो जाती है या पेशेंट को डायबिटीज रोग हो जाता है। वैद्य जी, आप इस सिलसिले में हमें ये बताइए कि फौरन तुरंत घरेलू उपचार या नुस्खा क्या हम अपने किचन से जाके ले लें जो हमारी डायबिटीज जो है वो हमें थोड़ी सी आराम दे दे। देखिए, डायबिटीज़ इतनी आसान बीमारी नहीं है कि हम कोई इस तरह का नुस्खा, इस तरह की कोई चीज़ खाएं और तुरंत शुगर कम हो जाए। ये एक स्लो ग्रोइंग डिजीज़ होती है और इसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। कई बार तो इसका कंट्रोल इतना मुश्किल होता है कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं।
और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको पता होगा कि डायबिटीज मेलाइटिस रोग है, ये काफ़ी टफ बीमारी है। इसमें इसकी जो मैनेजमेंट होती है, जैसे ये फैमिली डॉक्टर या अपने स्पेशलिस्ट इसके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको मैनेज करते हैं एंटी डायबिटिक ओरल मेडिसिन से या एंटी डायबिटिक इंसुलिन से मैनेज करते हैं। तो लेकिन जहाँ तक आपने नुस्खे की बात की, बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जो अपनी मेडिकल दवाइयाँ लेते रहते हैं, वो लेने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। तो उस तरह के मरीज जो हैं वो अपनी दवाइयों के साथ साथ कुछ इस तरह की घर में चीज़ें मिलती हैं जिसको वो साथ में ले सकते हैं, तो उनको बहुत लाभ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की शुगर दवाइयाँ लेने के बावजूद भी सुबह खाली पेट उसकी शुगर 8, 9, 10, 12 तक रहती है और वो अपनी दवाइयाँ दो दो तीन तीन एंटीबायोटिक दवाई एंटी डायबिटिक दवाइयाँ ले भी रहे हैं, तो उन मरीजों के लिए मैं दो तीन रेमेडीज़ बता देता हूँ जो उनके घर में मौजूद हैं। जैसे करेला जो होता है, बिटर मेलन करेला जो है, इसका जूस निकाल करके 20 ml सुबह 20 ml शाम को अगर आप लेते हैं तो आपको 10-15 दिन में महसूस होगा कि आपका शुगर लेवल अब कंट्रोल में आ गया है। दूसरा, इसमें फेनुग्रीक सीड्स जो मेथी दाना होता है, इसका पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इसको रेगुलर लीजिए, थोड़े दिनों में आपको महसूस होगा कि आपकी शुगर अब कंट्रोल में आ गई है। तीसरा, इसमें दालचीनी की चाय बहुत फ़ायदा करती है। और एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ जो आप अपने घर में बना कर रख सकते हैं, उसमें फेनुग्रीक सीड्स 200 ग्राम, हल्दी जो टर्मेरिक पाउडर होता है 200 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, और सौंठ जिसको ड्राइड जिंजर बोलते हैं 25 ग्राम, और पिपली जिसको लॉन्ग पेपर बोलते हैं 25 ग्राम। यह एक नुस्खा बना के अपने इसका पाउडर मिक्स करके रख लीजिए। इस पाउडर को आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को अपनी मेडिकल दवाइयों के साथ साथ अगर आप लेते हैं तो थोड़े दिन में आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी शुगर अब कंट्रोल में रहने लग गई है। और डायबिटीज़ के मरीजों में एक और चीज़ हमने नोट की है कि यदि उनको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनको जरूर एक बार हफ्ते में एक बार अपना पेट साफ करना चाहिए, कोई इस तरह की दवाई लेनी चाहिए जिससे उनका पेट साफ हो जाए। जैसे त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच शनिवार वाले दिन रात को ले लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जिससे उनका पेट साफ हो जाए। या सेना लीव्स आते हैं, सरनाए पत्ती जिसे बोलते हैं, उसका पाउडर बना के रखिए, वो 1 चम्मच आप रात को शनिवार वाले दिन लें, हफ्ते में एक बार लें, तो आपको लगेगा कि आपका पेट भी साफ हो गया है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गई है और डायबिटीज भी कंट्रोल में आ गई है। सो वैद्य जी, डूज एंड डोंट्स जी, जो कि बहुत वो कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है जी। तो डूज होते हैं वो जो कि परहेज है हमारा जी, जी। और डोंट्स हमारा इलाज है जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए इस सिलसिले में। देखिए, डूज एंड डोंट्स में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने मीठा किसी भी फॉर्म में नहीं खाना। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम चीनी तो नहीं खाते हैं लेकिन हम जो गुड़ खाते हैं, हम शक्कर खाते हैं, हम देसी खांड खाते हैं। भाई कोई भी आप मीठा खाएं, चीनी, गुड़, शक्कर, खांड या इवन चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, मीठे फल इवन, ये सब शुगर को बढ़ाते हैं। तो इन सब का परहेज रखना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं इनको आदत डाल लेनी चाहिए कि हर रोज़ आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को वॉक करनी है, सैर करनी है। आप अपने नज़दीक पार्क में जाइए, आधा घंटा सुबह सैर करिए, आधा घंटा शाम को, अगर ब्रिस्क वॉकिंग हो जाए और भी अच्छा है, लेकिन सैर तो जरूर करिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और तीसरा, अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त रखिए, अपना स्ट्रेस कम करिए।
जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, आप अपना नोट करें, जिस दिन आपको गुस्सा ज्यादा आता है आपकी शुगर ज्यादा आएगी। तो गुस्से को कम करिए, स्ट्रेस को कम करिए। तो इन तीन चीजों का आप ध्यान रखिए, खाने का, अपने लाइफस्टाइल का और अपनी स्ट्रेस का। अगर आप इसको मैनेज करते हैं तो आपकी डायबिटीज बहुत तरीके से मैनेज हो जाएगी। अगर आपने मैनेज ना किया तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज जो बीमारी होती है इसकी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे पेशेंट्स के, डायबिटिक मरीजों के आँखों पर असर आ जाता है, डायबिटिक मरीजों के गुर्दों पर असर आ जाता है जिसको किडनी फेलियर बोलते हैं, या डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक मरीजों के लिवर पे असर आ जाता है, हार्ट पे असर आ जाता है। तो उन सब कॉम्प्लिकेशन से अगर आपने बचना है तो आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। हरीश वर्मा साहब, आज के इस प्रोग्राम में आने का और हमारे दर्शकों को टोटके नुस्खे उपचार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आई होप दर्शकों, आपको आज के इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिला होगा जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोलिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल डिटेल्ड कुछ बीमारी का इलाज चाहिए आयुर्वेदा के अंदर, वैद्य साहब से राब्ता कायम करने के लिए हमारे हरीश वर्मा साहब, इनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं 416-804-1500, 416-804-1500। आज का ये प्रोग्राम देखने का और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।